जितना ज़्यादा मैं रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे सबूत मिल रहा है और मैं उतना ही ज़्यादा कन्फर्म होता जा रहा हूँ कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बाहर से देखने में तो लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूसरे देवी देवताओं और शैतान को पूजते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से रोमन कैथोलिक लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचो। और चलिए इस वीडियो में हम वेटिकन सिटी जहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत हुई उसमें बहुत से ऐसे और नए सबूत देखने वाले हैं जो ये बात साबित कर देगी कि रोमन कैथोलिक चर्च दूसरे देवी देवताओं को यानी पेगन गॉड्स को और शैतान को मानते हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेटिकन, ये असलियत में काले जादू का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें देखने में लगता है कि ये यीशु मसीह का चर्च है, बल्कि असलियत में ये यीशु मसीह का चर्च नहीं बल्कि शैतान का और दूसरे देवी देवताओं का चर्च है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए चलिए डायरेक्ट बाइबल के वचनों पर चलते हैं। तो अगर आप इजिकल 8 से पढ़ेंगे, 8वां अध्याय से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी कि ये बाइबल किस विषय में बात कर रहा है, परमेश्वर किस विषय में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड, यहाँ पर परमेश्वर जो इजिकल भविष्यवक्ता है उसे दर्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है वचन। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिय मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर के नीचे की ओर आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर जलकाई हुई पित्तल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े और आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर दिखाई हुई दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर, यहाँ पर नोटिस कीजिए, यरूशलेम के मंदिर के भीतर आग के उस फाटक यानी दरवाजे के पास पहुँचा दिया जिसका मुंह उत्तर यानी नॉर्थ उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा यानी आइडल्स यानी मूर्तियां का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इजिकल भविष्यवक्ता को उसका भवन जैसा दिखाया, यरूशलेम का भवन जैसा कुछ दिखाया, यानी ये पुराने नियम की बात है। अभी तक चर्च की स्थापना नहीं हुई है, चर्च की स्थापना नहीं हुई है, इसीलिए परमेश्वर ने इजिकल को यरूशलेम का मंदिर दिखाया। ओके, यानी परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये दर्शन दिखा रहे हैं कि एक परमेश्वर का मंदिर है यानी चर्च है। ओके, और उस चर्च में क्या है, बहुत सी प्रतिमाएं आइडल्स हैं जिसके कारण द्वेष उपजता है। ओके, वहाँ पर बहुत मूर्तियाँ रखी हैं, यानी परमेश्वर के भवन में बहुत सी मूर्तियाँ रखी हैं। देखिए, इजिकल के समय में आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, तो पुराने नियम में कहीं पर भी आपको परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियाँ नहीं दिखाई देगी। ओके, तो इसलिए परमेश्वर ने उस समय में, अभी नए नियम में क्या होने वाला है, अभी मतलब आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रभु दिखा रहा है इसको कि एक ऐसा चर्च होगा, ऐसा एक प्रभु का भवन होगा, ओके, जहाँ पर मूर्तियाँ होंगी। ओके, और यही चीज़ हम रोमन कैथोलिक चर्च में देख सकते हैं। अभी अभी हम देखते जाएंगे, आगे पढ़ते जाते हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ थी जिसके कारण क्या होता है, द्वेष उपजता है। ओके, 4वां वचन, फिर वहाँ इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। तो यहाँ पर इस चर्च में परमेश्वर, यानी कहने का मतलब है परमेश्वर देखने में लगेगा कि परमेश्वर पूज रहे होंगे, यानी लोग परमेश्वर को पूज रहे होंगे। ओके, लेकिन असलियत में नहीं होगा, वो आप देखते जाइए, अभी हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आँखें उत्तर की ओर उठा कर देख, उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ उठा कर देख, इजिकल से परमेश्वर ने कहा। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखी, तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ
इजिकल ने अपनी आंख उठा के देखी। तो इजिकल भविष्यवक्ता ने क्या देखा, ध्यान दीजिए, वेदी की फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाहा उपजाने वाली प्रतिमा है, यानी वो जो चर्च है उसके दरवाजे में ही डाहा उपजाने वाली प्रतिमा है। एक आइडल आपको देखने को मिलेगा, मूर्ति देखने को मिलेगा दरवाजे पे ही। तब उसने मुंह से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? उस मंदिर में कुछ लोग थे जो कुछ कर रहे थे। प्रभु पूछ रहा है, इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम कर रहा है? अब इज़राइल का घराना यानी जितने लोग भी विश्वासी हैं वो आत्मिक रूप से क्या बनने की कोशिश करते हैं कि प्रभु की संतान ना, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इज़राइल के घराने जैसे हैं, ओके, यानी विश्वासी जैसे हैं, लेकिन कि वो लोग क्या करते हैं कि घृणित काम करते हैं ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। ओके, इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। अभी क्या देखेगा, हम देखते हैं आगे। सातवां वचन, तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत मतलब दीवार, हम नेपाली में भित्ता बोलते हैं, ये दीवार है, भीत में एक छेद है कि दीवार उस जो मंदिर है उसमें एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत यानी दीवार को फोड़। तो मैंने भीत यानी दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे और अति घृणित काम करते हैं। घृणित काम क्या है, अब देखिए आगे। अब वो घृणित काम क्या है, ये चर्च जो है वो घृणित काम कर रहा है, क्या है? और इज़राइल के घराने के पुरनियों में से सात पुरुष जिनके बीच में सापान का पुत्र याजन्याह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं। चित्रों या पेंटिंग्स, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, फोटो हैं या चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं, ओके, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं। धूपदान मतलब आप जानते हैं जो रोमन कैथलिक लोग धूपदान करते हैं ना, ओके, धूप जलाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही धूपदान लिए हुए हैं, और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठा रहे हैं। तो ये देखिए रोमन कैथलिक चर्च का काम बिल्कुल यही करते हैं। बारवा वचन, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरुष पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधेरे में क्या कर रहे हैं? नक्काशी वाली कोठरियाँ मतलब नक्काशी वाली पेंटिंग्स वाली, ऐसे कुछ कुछ क्या क्या बना हुआ जो रोमन कैथलिक में होता है, तो उसका मतलब क्या है, रूम में वो लोग जाते हैं पोप्स वगैरह, ओके, तो उस बारे में बात कर रहा है। अंधेरे में क्या कर रहे हैं, क्या तू देख रहा है? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है, यहोवा ने हमें छोड़ दिया है, ऐसा बोलते हैं। फिर उसने मुंह से कहा, तू इनको और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया और उत्तर की ओर, उत्तर देखो बार बार उत्तर यानी नॉर्थ, अभी हम लोग देखेंगे नॉर्थ में क्या है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, आप सब लोग इस वचन का भेद हम लोग अभी देखेंगे, ये क्या बताना चाहता है, एक्चुअली भेद नहीं है, जो खोजेगा जो ढूंढोगे तो पाओगे, जो ढूंढेगा वो सत्य पाएगा जरूर, और सत्य यीशु मसीह है। तो ये उत्तर के विषय में क्या बता रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उत्तर की ओर था और वह स्त्रियां बैठी हुई तामुज के लिए रो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको तामुज क्या होता है वो थोड़ा दिखा देता हूँ। एक्चुअल में तामुज एक
भगवान है, पेगन भगवान है, दूसरा देव है जो पुराने समय का है। तो कहानियों के मुताबिक तामुज जो है वो मर जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ओके, वध कर दिया जाता है और तामुज चला जाता है नरक में। ओके, ये जो तामुज देवता है ये नरक चला जाता है, कहानियों के अनुसार बता रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि उसकी जो तामुज की जो माँ है वो 40 दिनों तक रोती रहती है मेरा बेटा मर गया। और फिर क्या होता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्प्रिंग सीजन आने के बाद में क्या होता है, 40 दिनों के बाद में उसकी माँ इतनी रोती है, और जिस वजह से कुछ लोग कुछ जगह में, ज़्यादातर रोम में और बहुत सी जगहों में स्प्रिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, यानी वो त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तामुज जो है, जो मर के नर्क चला गया था और उसकी माँ 40 दिनों तक रो रही थी अपने बेटे के लिए, कि वो तामुज क्या हो गया, रेजोरेक्शन हो गया उसका, वो रेजोरेक्ट हो गया, मतलब वो नर्क से फिर से जीवित होके आ गया, जिंदा हो गया, कहने का मतलब है ऐसा कुछ है। लेकिन यही सेम चीज़ आज रोमन कैथलिक चीज में फॉलो करते हैं, आप जानते हैं, आपने देखा होगा ये आपकी स्क्रीन में अभी जो तस्वीर वीडियो आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मरियम यीशु को अपने गोद में लेके रोती रो रही है, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो अगर आप ड्यूटरोनॉमी 12:31 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हें जो है, जो प्रभु में विश्वास करने वाले हैं, तुम्हें बिल्कुल वैसे काम नहीं करने हैं जैसे काम दूसरे देवी देवताओं को करते हैं, मतलब जैसा दूसरे देवताओं के लिए करते हैं। तो जो तामुज है उसको उसकी माँ उसके गोद में लेके रोती रहती है 40 दिनों तक, तो वही चीज़ हम रोमन कैथलिक चीज में देखते हैं, रोमन कैथलिक में। तो लेकिन प्रभु मना करते हैं कि जैसा दूसरे देवी देवता के लिए तुम लोग करते हो वैसा तुम प्रभु के साथ मत करना, लेकिन रोमन कैथलिक लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और करते हैं। तो ये है तामुज की कहानी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बार बार नॉर्थ में, ओके, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में पहली चीज इन्होंने क्या देखा कि जाति जाति के रेंगने वाले जंतु। ओके, तो सबसे पहली चीज कि उत्तर दिशा में जब देखा तो जाति जाति के रेंगने वाले जंतु और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों की चिन्ह खींचे हुए हैं, लाइन बनाया हुआ है यानी पेंटिंग बनाया हुआ है। ओके, तो ऐसा एक चर्च है जहाँ पर जाति जाति के अलग अलग रेंगने वाले जंतु, अगर आप रोमन कैथलिक चर्च वेटिकन में रोमन कैथलिक चर्च जो है उसमें देखोगे तो वहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पेंटिंग्स जाति जाति जंतु हाँ और जाति जाति के इज़राइल के घराने बोला है। आप देखिए 10वां वचन कि इज़राइल के जाति जाति के क्या लिखा है, रेंगने वाले वस्तु भी हैं, उड़ने वाले वस्तु भी हैं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चिन्ह। इज़राइल के घराने के सब मूर्तों के चिन्ह क्या होता है कि इज़राइल के घराने कौन थे, इज़राइल के घराने 12 चेले थे, 12 गोत्र में से यीशु मसीह ने जो 12 चेले चुने थे वो सब इज़राइल के 12 गोत्र में से ही थे। ओके, जो चेले थे वो इज़राइल के 12 गोत्र में से थे। अभी आपको यही इज़राइल के जो घराना है इसी में से आपको रोमन कैथलिक चर्च में अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। ओके, पतरस की मूर्ति, सेंट ये, सेंट वो, सेंट पतरस, सेंट पीटर, सेंट जॉन, सेंट ये बोल के इनको रोमन कैथलिक चर्च में भी इनका मूर्तें आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आइडल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको रोमन कैथलिक चर्च में ये अलग अलग जीव जंतु, उड़ने वाले, ये जो है रेंगने वाले पशुओं के, ये सब कलाकृतियाँ आपको रोमन कैथलिक चर्च में ये भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अगली चीज हम बार बार देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इजिकल को नॉर्थ में लेके गया था ना, नॉर्थ में दिखाया था, नॉर्थ उत्तर दिशा मीन्स नॉर्थ। अभी नॉर्थ ये देखिए, ये है पृथ्वी हमारी। अगर इस पृथ्वी को, रुकिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और वेटिकन सिटी जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो बाइबल में बताई गई हैं कि मूर्ति हैं इज़राइल के घराने की, यानी चेलों की मूर्तियाँ हैं, ओके, और जो जीव जंतु हैं वो सारे, उनका जो पेंटिंग्स बना हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, वो सब आपको रोम की तरफ 100% इशारा करता है कि रोम ही है वो, यानी रोमन कैथलिक चर्च जो वेटिकन में है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहीं से ही शुरुआत हुई है आपका, किसका,
रोमन कैथलिक चर्च का और पूरी दुनिया में फैला और सारे और वेदी के बीच कोई प्राचीन पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुंह पूर्व की ओर, पूर्व फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्व, पूर्व की ओर किए हुए था, तो ईस्ट की तरफ मुंह किए हुए था और वह पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सूर्य को दंडवत कर रहे थे, ये वैटिकन की तस्वीर है और इस वैटिकन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस रीति से सूर्य बनाया गया है और यहाँ पर 16 किरणें आ रही हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस रीति से जब 12 बजता है बिल्कुल सूर्य जब एकदम जो असली सूरज है वो बिल्कुल ऊपर होता है सर के, तो यहाँ पर जो कांच लगाया गया है, छेद बनाया गया है एक्चुअली वहाँ से कांच, उसमें कांच लगाया गया है, जब सूर्य की किरणें इस ये जो आर्टिफिशियल सूर्य में पड़ती है तो पूरा जो वेटिकन का जो ये चर्च है इसको प्रकाशवान कर देता है। तो ये क्यों, इन्होंने क्यों ऐसा बनाया, इन्होंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो रोमन कैथलिक चर्च है वो अंदर ही अंदर पेगन गॉड्स को मानता है, दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं और यही चीज़ यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये सूर्य देवताओं को भी मानते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य हम देख सकते हैं और यही वचन हम देखते हैं 16 में कि सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। देखने में तो लग रहा है ये वचन क्या बोल रहा है, 8:16 इजिकल 8:16 क्या बोल रहा है कि देखने में तो लग रहा है कि वो यहोवा को पूज रहे हैं लेकिन उनका जो मुँह है वो किस तरफ है, पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। ओके, वो सूर्य को दंडवत कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि प्रभु को कर रहे हैं लेकिन नहीं, वो सूर्य देवताओं को पूज रहे हैं। तो ये साफ साफ रोमन कैथलिक चर्च के ऊपर है। और एक चीज, रोमन कैथलिक लोग ये दावा करते हैं कि जो पत्रस है वो रोम में गया और वहाँ जाके मरा और वहाँ जाके उसके ऊपर हमने ये मंदिर बना दिया यानी ये चर्च बना दिया, ऐसा ये कहते हैं जो कि बिल्कुल झूठ है। बाइबल में कहीं पर भी ये साबित नहीं, ये नहीं लिखा है कि पत्रस रोम गया था बोल के, बल्कि अगर आप पहला पत्रस 5:13 और कोरिन्थियो 4:10 और फिलिमोन 24वां अध्याय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पत्रस जो है वो चिट्ठी लिखता है रोम के लोगों को। वहाँ पर एक्चुअली बेबीलोन लिखा है लेकिन बेबीलोन उस वक्त था नहीं, तो बेबीलोन दर्शाया जा रहा है रोम को। ओके, तो बेबीलोन के लोगों को यानी रोम के लोगों को, तो पत्रस अगर रोम में है तो फिर वो रोम के लोगों को ही क्यों लेटर लिख रहा है। बाइबल के इस वचन से साबित हो जाता है कि पत्रस रोम गया ही नहीं कभी। ओके, इस लेटर से ही साबित हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि पत्रस बहुत से थे, साइमन पत्रस और एक सिमोन जादूगर भी था, कहीं ऐसा तो नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये जादूगर सिमोन चला गया रोम और वहाँ जाके ये मर गया और इनके ऊपर ही इन्होंने रोमन कैथलिक लोगों ने क्या बना दिया, पत्रस का चर्च बोल के बना दिया इन्होंने। और इनका जो काम है, इनका जो क्रिया है रोमन कैथलिक का, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जादू टोना जैसा ही करते हैं। तो हो सकता है शायद वो पत्रस जादूगर चला गया था रोम। अभी आपके स्क्रीन में जो वीडियो आप देख रहे हो ये वेटिकन का है और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो एक बहुत बड़ा सिंहासन है और ये सिंहासन एक्चुअल में इतना बड़ा है कि इसमें कोई नॉर्मल इंसान नहीं बैठ पाएगा। और देखिए काला और गोल्डन कलर ये दर्शाता है कि जो बुराई है काला वो गोल्डन बनता जा रहा है यानी अच्छा बनता जा रहा है। और किस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इतना बड़ा सिंहासन, इसमें कोई नॉर्मल इंसान नहीं बैठ पाएगा, बल्कि यहाँ पर जो वेटिकन है वो तैयारी कर रहा है एंटी क्राइस्ट के लिए, ये उन्होंने सिंहासन लगाया है। नहीं, आपको आपको मेरा मेरी बातों का विश्वास नहीं तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर इस सिंहासन में आपको एक भेड़ का शक्ल दिखाई देगा और वो भी कैसा, मतलब मरा हुआ भेड़। और अगर आप सिंहासन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पवित्र आत्मा जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा है जो दूसरी दुनिया से सिंहासन में बैठने के लिए आएगी। और अभी जो आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हो एक लकड़ी का, मतलब लकड़ी के कुछ टुकड़े आपस में एक गट्ठर है लकड़ी का, ये लकड़ी का गट्ठर को कहते हैं फैशी या फैशियस, जिसका अर्थ होता है, ये एक मतलब है रोम में इसका,
जिसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया को एक करना, यूनाइट करना, वन वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना। और यही चीज हम देख सकते हैं जो कि अंत में जाके जो एंटी क्राइस्ट होगा वो पूरे दुनिया में रूल करेगा। तो यही चीज हम देख सकते हैं रोम में। और जो मेरे रोमन कैथोलिक भाई और बहन ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि वो यीशु मसीह की पूजा करते हैं, तो साफ साफ देख लीजिए आपके वेटिकन में जहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत हुई वहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं शैतान, साक्षात शैतान का तस्वीर, ऐसे जीव जंतु का तस्वीर बना हुआ है। हमने कुछ देर पहले वचन पढ़ा ना, अलग अलग जीव जंतु का तस्वीर है, उधर फोटो है। और ये वेटिकन की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बच्चा है और वो बच्चा दो पंखों के बीच में से निकल रहा है, तो ये दर्शाता है एंटी क्राइस्ट का जन्म। वो अपने शुरुआती कुछ सालों में यूरोप के कुछ कंट्रीज में कंट्रोल करेगा, आस्ते आस्ते वो पूरे दुनिया में कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं वही बच्चा जन्म ले रहा है। ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, वेटिकन के रोमन कैथोलिक लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे को लेके आने के लिए, यानी एंटी क्राइस्ट को लेके आने के लिए। वेटिकन में हम दो देवियों को देख सकते हैं जिनके हाथों में दो चाबियां हैं, और ये जो दो देवियां हैं ये पेगन गॉड्स हैं, यानी अन्य देवी देवता। और अगर इन देवी एक देवी के पैरों में हम देखें तो इसके कदमों के नीचे दुनिया है। और केवल इतना ही नहीं, वेटिकन पूरे का पूरा भरा पड़ा है झूठे देवी देवताओं से। ये शैतान का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकता। और अगर आप वेटिकन को ऊपर से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा एक सांप उस और उसकी आंखें और सर पे एक मुकुट दिखाई देगा, और दिखाई देगा कि वो सांप यानी शैतान वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। यानी वेटिकन बहुत ही जल्द एंटी क्राइस्ट को जन्म देने वाला है, बहुत ही जल्द। तो अभी जो स्क्रीन में आप अपना तस्वीर देख रहे हो ये 1934 की तस्वीर है, और इस तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि दो रोमन कैथोलिक पादरी जो वेटिकन के हैं हाथ मिला रहे हैं हिटलर के साथ। और हिटलर का इस वक्त 1934 में ये कहना था कि मैं जो यहूदी लोगों को मारता हूँ ये तो केवल मैं बस उस प्रथा को जो रोमन कैथोलिक चर्च ने शुरू की थी 1500 साल पहले, उस प्रथा को यानी मारने का प्रथा को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जारी रख रहा हूँ। अगर आप इतिहास चेक करोगे तो रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत से सही विश्वासियों को, बाइबल में विश्वास करने वाले विश्वासियों को मारा, इतिहास चेक करो आप। तो उसी चीज को, उसी प्रथा को, मारने का प्रथा को हिटलर ने कंटिन्यू किया, जारी रखा। और ये हिटलर का खुद कहा गया शब्द है 1934 में। तो मेरे रोमन कैथोलिक भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, इस चर्च से निकलो, जैसा प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 18:4 में कि हे मेरे लोगो उसमें से निकल आओ, यानी रोमन कैथोलिक चर्च में से निकल आओ, नहीं तो आप लोगों को भी सजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया बात और सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।